हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आया हूं, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से काफी यूजफुल साबित होने वाला। दोस्तों, यह टॉपिक है एक्सटेंशन एजुकेशन का, जो यहाँ पर लिखा गया है मेन स्टेप ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग। यानी इस स्टेप को पढ़ने के दौरान दोस्तों आपको प्रोग्राम प्लानिंग का, चाहे वह प्रिंसिपल हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे उसका कोई भी क्वेश्चन हो प्रोग्राम प्लानिंग से रिलेटेड, आप इसी टॉपिक को पढ़ने के उपरांत प्रोग्राम प्लानिंग का पूरी निचोड़ आप जान सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखिएगा। हम सिंपलिसिटी लैंग्वेज में आपको अवश्य समझाएंगे दोस्तों, जिससे आपको भली भांति इस टॉपिक के बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे द्वारा बनाया गया हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, बिना ही टाइम इन्वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है मेन स्टेप ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग। यानी प्रोग्राम प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम का मतलब होता है दोस्तों कार्यक्रम, कार्यक्रम। और प्लानिंग का अर्थ होता है एक योजना बनाना, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ यदि देखें दोस्तों, प्रोग्राम प्लानिंग यानी किसी कार्यक्रम को करने की योजना बनाना या रणनीति बनाना ही प्रोग्राम प्लानिंग कहलाता है। प्रोग्राम प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्ट यही होता है दोस्तों कि किसी कार्यक्रम को यदि आप सुचारू रूप से योजनाबद्ध बनाकर यदि कार्यक्रम को कर रहे हैं, तो इसका मेन ऑब्जेक्ट होगा कि जो आपका कार्यक्रम अपनाया गया है वह सही तरीके से सफल हो सके। वही प्रोग्राम प्लानिंग के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट लिखा गया है नॉलेज ऑफ सिचुएशन। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों, यह जो मेन स्टेप है प्रोग्राम प्लानिंग का, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, यह परीक्षा में छप सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है नॉलेज ऑफ सिचुएशन। किसी भी प्रोग्राम प्लानिंग यदि आप कोई कार्यक्रम कर रहे हैं अपने घर पे या कहीं भी किसी भी स्थान पर, तो आपको यह ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि नॉलेज ऑफ सिचुएशन, स्थिति का ज्ञान। यानी कहने का तात्पर्य है किसी प्रोग्राम को करने से पहले आप वहां की स्थिति के बारे में अवलोकन अवश्य करें कि वहां की स्थिति क्या है। जैसे सपोज दैट, एग्जांपल की दृष्टि से आपको समझाएं दोस्तों, सपोज दैट मान लीजिए आपके घर कोई कार्यक्रम है, तो पहला उद्देश्य आपका यही होगा दोस्तों कि आप अपने घर के बगल के आसपास के लोगों की स्थिति को देखें कि वे किस कैटेगरी के हैं। यानी सपोज दैट आपने कार्यक्रम तो अपना दिया, बट वहां के नॉलेज यानी सिचुएशन को ध्यान नहीं दिया और आपने कार्यक्रम सेटिस्फाइड ढंग से होने के लिए योजना बनाया, बट ये जो आपके वातावरण यानी आपके सोशल सामाजिक लोग हैं आपके कार्यक्रम में बाधा डाल सकते हैं, इसीलिए किसी कार्यक्रम को करने के उपरांत पहले वहां के नॉलेज ऑफ सिचुएशन, वहां की स्थिति का ज्ञान होना अति आवश्यक है दोस्तों। यह पहला पॉइंट है मेन स्टेप ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग का। दूसरा स्टेप यहां पर लिखा गया है दोस्तों एनालिसिस ऑफ सिचुएशन। यानी आपको यहाँ के सिचुएशन का यदि ज्ञान हो गया तो उस पर आप विश्लेषण कीजिए, निष्कर्ष निकालिए कि शायद मैं यदि कार्यक्रम को अपनाऊंगा तो मेरा कार्यक्रम सफल हो पाएगा या नहीं। तो यही लिखा गया है यहाँ पर दोस्तों एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, यानी समस्याओं का विश्लेषण किया जाएगा। फिर तीसरा स्टेप में देखिए यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी उद्देश्य निर्धारित करना। आपका मेन टारगेट होगा आप किस उद्देश्य से अपना प्रोग्राम प्लानिंग, यानी आपने किस उद्देश्य से प्रोग्राम प्लानिंग कर रहे हैं, आपका क्या उद्देश्य है किसी भी प्रोग्राम प्लानिंग करने का। तो यहाँ पर लिखा गया दोस्तों डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य निर्धारित करना। फिर चौथे पॉइंट पर लिखा गया दोस्तों डिफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। यानी आपका तो उद्देश्य किसी कार्यक्रम सपोज दैट मान लीजिए आपने कार्यक्रम किया, तो पहला स्टेप आपने यही लिखा कि पहले वहां से वर्तमान स्थिति का पता करेंगे। मान लीजिए सपोज दैट आपको स्थिति का पता हो गया, तो स्थिति के बाद आप क्या करेंगे कि उस पर मतलब आप स्थिति का पता चलने के बाद उस समस्याओं का विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करने के उपरांत फिर अगला स्टेप आएगा कि आपको उद्देश्य निर्धारित करना पड़ेगा कि आप किस उद्देश्य से प्रोग्राम प्लानिंग अपना रहे हैं। यदि आपका उद्देश्य हो गया तो उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों डिफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। आपका उद्देश्य तो निर्धारित हो गया, बट आपके पास एक समस्या उत्पन्न हो जाएगा कि इस प्रोग्राम प्लानिंग को करने के लिए हमें कितना व्यय करना पड़ेगा, कितना खर्च करना पड़ेगा। तो यही है समस्याओं का समाधान, यानी कि समस्याओं को परिभाषित करना। फिर समस्या आ जाए, उद्देश्य निर्धारित करने के बाद दोस्तों आपके पास समस्या आ जाएगी,
फिर समस्या को परिभाषित करें ऐसा। फिर अगला स्टेप में देखिए दोस्तों लिखा गया है सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी कहने का तात्पर्य है कि समस्याओं का फिर हल ढूंढेंगे। ऐसा नहीं है कि समस्या आपके सामने आ गया तो आप प्रोग्राम प्लानिंग को निरस्त कर देंगे, ऐसा नहीं है। यदि समस्या आ गया तो समस्याओं का हल ढूंढेंगे हल। फिर अगला स्टेप में देखिए लिखा गया है फिक्सेशन ऑफ प्रायोरिटी, यानी प्राथमिकता निर्धारित करना। इसके बाद आपका मुख्य उद्देश्य यह होगा कि आपने जो कार्यक्रम अपनाए हैं उसमें पहला कार्य कौन सा होना चाहिए, पहले किस कार्य को किया जाना चाहिए, यही लिखा गया प्राथमिकताओं का निर्धारित करना, यानी किसको पहले करना है उसको लिखेंगे प्राथमिकता को निर्धारित करना। फिर अगले स्टेप में देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है प्लान ऑफ वर्क, कार्यों की योजना बनाना। आपने प्राथमिकता जो कार्यक्रम को पहले करना है आपने उसका प्राथमिकता बना दी, फिर उसके बाद उसकी एक योजना बनाएंगे कि उस कार्यक्रम को किस ढंग से किया जाए, यानी कार्यों की योजना बनाएंगे। फिर उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, अगला स्टेप में यहाँ पर लिखा गया है कैरिंग आउट प्लान, यानी क्रियान्वित करना। कार्यों की योजना बनाने के बाद कार्य को प्रारंभ कर देंगे आप, यानी किसी कार्य को करना शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, जो आपने कार्यक्रम प्रारंभ किया है उसका मूल्यांकन करेंगे कि वास्तव में मेरे द्वारा किया गया कार्य सिस्टमेटिक ढंग से हो रहा है कि नहीं। अगला स्टेप में देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है रिकॉन्सिडरेशन, यानी पुनः विचार करना। आपने मूल्यांकन करने के बाद पुनः विचार करेंगे कि मेरे द्वारा बनाया गया कार्यक्रम प्रणाली जो है वह सिस्टमेटिक ढंग से सही है या नहीं। यदि इतने स्थिति का ज्ञान यदि आपके पास है तो आप कोई भी प्रोग्राम प्लानिंग करेंगे आपका कार्यक्रम बहुत ही सेटिस्फाइड ढंग से आसानी पूर्वक समाया कर सकते हैं। दोस्तों यह था मेन स्टेप ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है कि मेन स्टेप ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग। इसी के दौरान आप यदि इसको अच्छी तरीके से समझ चुके हैं तो दोस्तों कार्यक्रम यानी प्रोग्राम प्लानिंग के आप प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, और इससे रिलेटेड प्रोग्राम प्लानिंग का कोई भी क्वेश्चन हो इसी टॉपिक से रिलेटेड आप लिख सकते हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।